राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त भूमिका लेकर आई हूँ आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सीरीज। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के आगे की कथा के बारे में, जो कि है आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। तो शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह सारे दिन सांसारिक मोह माया में फंसी रहती थी और बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर की इच्छा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहाँ एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान के नहीं होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। वह सोच सोच कर वह हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान नहीं होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी 5 है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं। बाजार से जो फल वह लाता है वह भी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं। वैसे यह सांसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से दुख ही मिलता है, सुख नहीं, दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि उसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने पति की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। यदि उसे गर्व रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में बड़े उसे बहुत कष्ट होगा। गर्व के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और वह जब पुत्र को जन्म देगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक को भी गया तो रात दिन उसके मल मूत्र को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे तो वह बाज ही ठीक है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसकी समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसने अपनी बहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है, उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित और उदास है कि गर्व तो उसके है ही नहीं, फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह 1 माह की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी, यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी
की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। ब्राह्मणी दोहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुई। वे ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोल बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा है, जबकि उसकी बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है। अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मणी की बहन वहां आ गई और उसने पुत्र को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। वह उन दोनों बालकों का पालन लालन अच्छी तरह से करने लगा। जब दोनों बालक सयाने हुए तो गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधुकारी महामूर्ख अधर्मी जोर जुआरी और लंपट बना। गोकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधुकारी का कुकर्मों में। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग प्रेम बीतता, जबकि धुंधुकारी वैश्या गमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन ने देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मेरी संतान ही था। उसे देखकर उसे सन्यासी की एक एक बात याद आ जाती। वह सोचता, इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसे नहीं होता। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा रंक धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों की एकाग्रचिता और भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।